दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि गेम पूरा कैसे कंप्लीट कर सकते। आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हिंदी में कन्वर्ट करके इतना नहीं बता रहा, पर फिर भी लेट्स गेट टू बेड, इट्स 11 AM, यू शुड बी असलीप, गो टू बेड एंड डोंट फॉरगेट टू चेंज योर पजामा। तो हमारी मम्मी ये बोल रही है कि हमें अभी जाके सो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमें जाके एक पोकेमॉन चूज करना है। लेट्स सी, वी कैन नॉट गो। तो मैं इंग्लिश में आपको पूरे मेन पॉइंट्स बता दूंगा ताकि हम ताकि मैं आपको इतना नहीं बता सकता, तो आप देख के ही समझ जाए। पीछे में क्या है जरा देखा जाए, काम आ जाए तो जरूर ले आ जाए। तो प्रोफेसर के पास जाना है, जैसे कि मैंने इसका पहला एपिसोड देखा है, इस भाग के प्रोफेसर के पास जाता है और वो हर बार जरा लेट ही होगा, तो काफ़ी मिलेगा चांस है। इसमें बात करने की जरूरत नहीं। और हम प्रोफेसरों के पास ये बोल रहे हैं कि हमें पोकेमॉन चूज करना है, तो आई मस्ट चूज प्रोफेसर। कोई नहीं, हम कल बस और ही ले लेते हैं क्या। पिकाचू हमें ये पॉकेट एक्स और पोकेबॉल हर गेम की तरह मिलेंगे यहीं पे। और हमें टास्क पे जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे इसमें सब किए तो स्टोरीज हमें भी शायद कंप्लीट करनी पड़ सकती है इस गेम में, क्योंकि बहुत बार मैंने इस गेम के बारे में सुना है। So we should move on. So that's our mom. Mom, बस इतना बोलना चाहती है कि तुम जा सकते हो अपने क्लिनिक पे, क्योंकि और कुछ रनिंग शूज दिया और टाइम मैप और स्ट्रेंथ चेक कर, मैप पे काम आ सकता है। मैं आपसे चेक कर मुझे पता नहीं, चलो चेक करते क्या है। ओहो, हर बार जो है अंडर से इतना मत बोलना है। सो शायद मैं हमें फिल्म चेकर मिला, फिर चेक कर लेते हैं।
watch the complete chat and किसी भी आदमी के आप जांच कर सकते हो अच्छे से. तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन. चलो आगे बढ़ते हैं. चाओ पिकाचू. पिकाचू कहाँ पेड़ पे जाके बैठ. Pikachu, the wild spear of here. So, ये हमारा पहला battle लगता है भाई. तो वहाँ पे तो देखा जाए कितने level का है. 5 level का ये growl करेगा. पहले हो गया सामने तो हम Pikachu हमारी बात ही नहीं मान रहा है. कर लेना चाहिए उसके लिए. हम भी देखते हैं मेरे को क्या पता उसकी तरह हमें भी कर देने पड़ गया उसने पकड़ गए. पिता की बात ही नहीं माना तो फिर उसे हमें बैठ लेना खत्म करना. क्योंकि पिता की हमारी बात ही नहीं मान रहा है तो हम कैसे रह सकते हैं. गुस्से में है और वो अपने दोस्तों को अपने हेल्प के लिए बुला रहा है. और हम ने पिकाचु को पकड़ा और हमें इसको लेके यहाँ से जाना पड़ेगा या फिर मुसीबत है खड़ी हो जाएगी. एक बार फिर यहाँ पर हुआ. दोस्तों मुझे पता है आप पिकाचु बात नहीं मानेगा इसके लिए हमें कोई लड़ाई करके मतलब नहीं है. सो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. यहाँ से कुछ फिर ना कुछ ले जाए टूट वन रिवर फिलिंग कर रहा है. तो हम स्विम कर सकते हैं इसमें दोस्तों. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आगे रास्ता बंद है तो हमें शायद स्विम ही करना पड़ेगा. देखिए कौन है आगे मिस्ट्री. जैसे कि आपने एपिसोड में देखा होगा इसकी बाइक लेके चले जाता है. ये क्या और यहाँ सब प्योर अटैक करने आ गया है इसके ऊपर. ऐश बोल रहा है कि क्या तुम्हें जानते हो मुझे मैं कौन हूँ. पहले टाउन से हूँ मैं नंबर वन पोकेमॉन मास्टर बनूंगा और मैं किसी से नहीं आ सकता और तुम सबको मैं पकड़ूंगा. किसा से ये बात सुन के बाहर आता है अपनी वॉइस और पिकाचु की थोड़ी पावर बढ़ चुकी है जो लाइटनिंग हुई थी उससे. तो पिकाचु ठंडा स्टॉक यूज करते हैं. ओहो आपके ऊपर ओहो पोकेमॉन जा रहा है आप देख सकते हैं. ये बहुत रेयर पोकेमॉन है. अब हम आ चुके हैं शायद से सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो देखना पड़ेगा विलियन सिटी कौन से रास्ते में आती है. रास्ता बंद है मतलब जरूर हमें ऊपर जाना पड़ेगा. यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों. मेरे सिटी में आ गए मेरे को बदमाश घूम रहे हैं उनको पकड़ने के लिए शायद जिसके हमें खड़ी है. शायद हमें ये पोकेमॉन सेंटर लेके जा रहे हैं अभी. हाँ दोस्तों इसमें हमें हम पहुँचे पोकेमॉन सेंटर. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई थिंक आई शुड क्विट हियर ओनली बट लेट अस गो इनसाइड एंड फर्स्ट हील अवर पोकेमॉन देन.
मिस्ट्री हमारे पीछे करते करते आ गई है और उसकी साइकिल टूट चुकी है जो हमें बता रही है वो, तो शायद मिस्ट्री हमारे साथ ही रहे और हमने दिखा चुके हैं यहाँ पर फील करा चुके हैं। शायद जैसे कि आपने एपिसोड में देखा होगा अगले उसके जो है अपने मामा से बात करता है तो हमें भी ज़रूर फ़ोन करना पड़ सकता है। हाँ तो हम फोन करने पहुँच चुके हैं, ऐसे में पता था कैसे उसके पापा को 4 दिन लगे थे जाने में और वो 1 ही दिन में वहाँ पहुँच चुका है और वही अंडरग्राउंड वाली बात। और यहाँ पर किसी का कॉल आ रहा है तो हमने उठाया तो वो प्रोफेसर ओक है। तो दोस्तों हो गया आज, तो आज के लिए हमें यहीं पे शायद बंद कर दे। ये क्या है दुनिया को दवाई से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी जेम्स टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। हम लोग यहाँ अच्छा ये लोग यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि पोकेमॉन सेंटर में लोग फेरे करने आते हैं पोकेमॉन, तो हमें इन्हें हारना पड़ेगा। हाँ तो लेट्स फाइट गो पिकाचू। हाँ शायद ना जो हमें शायद ये फर्स्ट बैटल तुम्हें कैसे फाइट करनी चाहिए, किससे फाइट करनी चाहिए, कैसे फाइट करनी चाहिए। लेट्स फाइट विद इट एंड सी। So thank you for watching. If you like it, please like the button, subscribe, and don't forget to comment it. If you want me to add new video of our
आगे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।